गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये आफ्टरनून का वक्त है, मतलब हम लोगों का लंच वंच हो गया है, तो मेरा हाथ में थोड़ा सा टाइम था। मैं थोड़ा कर रही हूँ अपना हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग इस सर्दी का सीज़न में, मतलब थोड़ा थोड़ा तो ठंडी लग रही है, इस सीज़न में हेयर ऑयलिंग करने से हेयर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, तो इसलिए इस वक्त ही मैं थोड़ा हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। और हेयर ऑयलिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ अपना ग्रॉसरी और थोड़ा सा सब्जी है उसको सेट करने के लिए। मैं सोच रही हूँ ना, मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ क्या क्या आज ग्रॉसरीज आया है। सारा मुझे ऑर्गेनाइज करके रखना है, तो क्या क्या आया है मैं एक बार आप लोगों को आज दिखा देती हूँ। और ये रहे मेरे सारे ग्रॉसरीज, ये फुल मंथ के लिए ही है ऑलमोस्ट। ये थोड़ा सब्जी है, पालंग साग और बैंगन का एक सब्जी तो मैं शेयर कर चुकी हूँ, और एक सब्जी सोच रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनता है। और मैं इस तरह का पैकेट्स मंगाती हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च, छोटा पैकेट में क्या ना बहुत इजी रहता है। आप पैकेट काटो, आपका यूज़ हो जाए, एक्चुअली यूज़ एंड थ्रो, उसके बाद नया पैकेट यूज़ करो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और ये है जो मूंग का दाल है ना, ब्लैक कलर का मूंग का दाल, उसका मसाला यहाँ पे बोला जाता है तड़का मसाला, ये बहुत ही अच्छा बनता है। मैं इसका रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसके साथ चना मसाला। और ये है थोड़ा चिकन मसाला, ओकेशनली तो बनते ही रहता है मेरा घर में। मैं सारी पैकेट्स मंगाती हूँ इस तरह का। और ये मैंने एक शेड्स मंगाया है जो सलाद में बहुत अच्छा काम आता है, और ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा रहता है, आप लोग ट्राई कर सकते। उसके साथ मैंने मंगाया ये आंवला का जूस। ये क्या है, ये अभी सुबह में मैं वार्म वाटर में ले रही हूँ थोड़ा सा आंवला का जूस। और उसके साथ ये जो आंवला का जूस ना, ये आप वार्म वाटर और नॉर्मल वाटर वैसे भी आप ले सकते हो इसको, ये बहुत ही अच्छा वेट लॉस करता है। और इसके साथ मैंने मंगाया एक ऑर्गेनिक हनी, ये अमेजोन से मंगाया, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, हेल्पफुल है वेट लॉस के लिए। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन पता नहीं। और मेरा पिंक सॉल्ट ख़त्म हो रखा था तो मैंने ये पिंक सॉल्ट मंगा लिया है, ये ऑर्गेनिक पिंक सॉल्ट है। और इसका प्राइस आई सपोज 1 kg का तो है ये, इसका प्राइस दिखाई नहीं पड़ रहा है, रुकिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मुझे दिखाई नहीं पड़ा, ये बहुत अच्छा है। और एक शुगर फ्री, मैंने ग्रीन शुगर फ्री यूज़ करना स्टार्ट किया। मैं तो शुगर लेती नहीं हूँ, शेखर जी भी लेते हैं ये वाला और दादा भी, तो उन लोग के लिए ये वाला मंगाया, ये भी बहुत अच्छा है। ये 400 ग्राम्स का है और इसका प्राइस मुझे ना फ़िलहाल कैमरे में ना अभी प्राइस दिखाई नहीं पड़ रहा है ठीक से, तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ प्राइस टैग, मैं बोल नहीं रही हूँ, आप लोग ना जब सर्च कीजिएगा अमेजोन में ये अवेलेबल है, आप लोगों को मिल जाएगा। उसके साथ मैंने मंगाया ये सारे दाल, ये राजमा है, ये चना है, और ग्रीन मूंग मैं बोल रही थी तड़के वाला, वो ये वाला है तड़का का दाल, ये बहुत अच्छा बनता है। और ये देखिए ये जो तड़का मसाला ये ही वाला डलाता है इसमें, और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसके साथ वाइट मटर है, और वाइट मटर का तो रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, एक दो और भी कुछ कर दूँगी रेसिपी शेयर आप लोगों के साथ। और इसके साथ ही मतलब वाइट मटर जो ये दाल के साथ, मैंने थोड़ा मूंग के दाल और मसूर के दाल भी मैं मंगा ली थी। ये सारे दाल मेरा मंथली ग्रॉसरीज है, तो चलिए मैं इसको सेट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं डब्बों को साफ कर रही हूँ, और डब्बा में जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो मैं हटा के रख रही हूँ अलग कटोरी में। और इसमें कुछ था नहीं तो ये मैंने पहले ही धो के रख दिया था, तो उसको मैं फिर एक बार कपड़ा से साफ करके पूरा भर के रख दूँगी। और उसके साथ साथ दूसरा डब्बा में अगर जो थोड़ा सा बचा है, जैसे यहाँ पे मसूर का दाल जो रेड वाला दाल होता है वो थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको अलग कटोरी
भर के मैं रख रही हूँ, क्योंकि अलग कटोरी में डाल के रखने के बाद जो ये मैं दाल डाल रही हूँ ना उसके ऊपर से वो वाला मिला दूंगी, तो पुरानी दाल आगे यूज़ हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसको डब्बे में भर के रख दूंगी, तो पुरानी दाल आगे यूज़ हो जाने से अच्छा रहता है। और इसी तरह से मैं सारे दालों को मैं डालूंगी। और यहाँ पर मयंक आ चुका है और अपना सवाल पे सवाल किए जा रहा है, उसका तो सवाल बहुत रहता है और मुझे उसका पूरा जवाब देना पड़ता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मयंक के साथ थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा खेल रही हूँ, क्योंकि वो प्रेशर कर रहा था कि मम्मी थोड़ा सा मेरे साथ खेल दो। बच्चों का जो होता है कि मम्मी के साथ थोड़ा खेलना उसको पसंद है, तो बस मयंक के साथ थोड़ा खेलने के बाद मयंक चला गया है ऊपर, उसको मैंने भेज दिया है। अभी मैं अपना काम कर रही हूँ, फिर से वापस से ये सब सजा के रख रही हूँ, क्योंकि मंडे से मयंक का क्लासेस चालू होने वाला है और मुझे ये सब का टाइम एकदम नहीं मिलेगा। और जो एक्स्ट्रा दाल सब बच गया था वो मैं अलग डब्बा में रख चुकी हूँ। और ये जो है ये कोरिएंडर लीव्स है, मतलब धनिया की पत्ती, मैं स्टोर कर रही हूँ, अलग कर रही हूँ। जो आप लोगों को पता ही है कि मैं कैसे स्टोर करती हूँ, तो मैं वैसे ही स्टोर कर रही हूँ इस तरह से। उसका जो नीचे वाला हिस्सा है तो उसको हटा के इसको इस तरह से या टाइट बॉक्स में करके मैं स्टोर कर दूँगी। मेरा सारा क्लीन हो चुका है, सब सेटअप कर चुकी हूँ। एक बार डाइनिंग टेबल को पोछा मार दूं गीले कपड़े से तो साफ़ ही रहता है, नहीं तो क्या होता है ना, जो सारा मैं साफ़ की थी उसका गंदगी यहीं पे कहीं कहीं पड़ा रहेगा। तो लगे हाथ मैं इसको भी साफ़ कर दूंगी, उसके बाद मैं अपना दूसरा काम पे लगूंगी। और ऑलरेडी ये सब करते करते 4 बज रहे हैं, तो अभी जाऊँगी मैं चाय बनाने। और ग्रॉसरी सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे बन रही है हम लोग का इवनिंग टी, शाम की चाय। तो चलिए पहले चाय एंजॉय कर लेते हैं और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। चाय एंजॉय करने के बाद और बाकी सारा काम करने के बाद मैं डायरेक्टली आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लाल वाला जो दाल होता है मसूर का, वो वाला। हल्दी और नमक डाल के मैं वो वाला दाल अभी बॉयलिंग पे लगा रही हूँ ये, और बॉयलिंग पे लगाने के बाद ज़्यादा बॉयल बनाने का कोई झमेला ये नहीं है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। जस्ट 2 सीटी मैं इसको गैस को ऑन कर दूंगी और इसके साथ ही मैं इसको 2 सीटी लगा दूंगी, बस मेरा हो जाएगा। मीनवाइल मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ कैबेज, थोड़ा ये जो कैबेज है ना इस तरह से लंबा लंबा मैंने कट कर लिया, और मैं इसका एक बहुत ही यम्मी सा सब्जी बनाऊंगी फिश के साथ। जी हाँ, कैबेज बनाऊंगी मैं फ़िश के साथ, बहुत ही यम्मी बनता है। और मीनवाइल मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर चुकी हूँ और कढ़ाई मेरा थोड़ा सा गर्म हो जाए, कढ़ाई मेरा गर्म भी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। एक्चुअली मैं आप लोगों को बोली थी ना मैं बंगाली डिश शेयर करूंगी कुछ नवरात्र के समय पे, तो ये वाला एक डिश है, ये बहुत ही अच्छे से बनता है। तो मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, मैं साथ ही में डाल चुकी हूँ पंचफोरन। ये पंचफोरन से बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी भी बहुत लगता है। तो पंचफोरन थोड़ा सा फ्लैटर करने लगा, मतलब थोड़ा सा भून गया है, तो मैं उसमें डाल रही हूँ ये वाला कैबेज। इसको मैंने ऐसे कट करके धो के इसका पानी भी मैंने सुखा लिया है। और नॉर्मली हम लोग कैबेज इस तरह से कट करते हैं, लेकिन इतना पतला नहीं कट करती हूँ, और फिश के साथ तो मैं बनाती नहीं हूँ, मैं नॉर्मली बनाती हूँ, लेकिन आज मैं बना रही हूँ क्योंकि ये डिश बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए मैं यहाँ पे कैबेज डाल चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँगी इसमें कुछ नहीं, इसको बॉइलिंग पे लगाऊँगी, हल्दी डाल दूँगी थोड़ा सा, आधा छोटा चम्मच, और उसके साथ थोड़ा सा नमक, आधा छोटा चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार आप डालें, और उसको लीड लगा के लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ूंगी। मीनवाइल मेरा दाल में भी सीटी लग चुका है, और अपने आप सीटी रिलीज करने के बाद दाल थोड़ा थिक हो गया था, तो मैं इसमें पानी मिला रही हूँ कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। मैं ज़्यादा पतला नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं इसको रोटी के साथ सर्व करने वाली हूँ। तो चलिए मेरा दाल इतना ही कंसिस्टेंसी ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगी इसको तड़के का तैयारी करूँगी,
और यहाँ पे तड़का पैन मैंने ले लिया, उसमें मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। मैं एक्चुअली डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाने पे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 सूखी हुई लाल मिर्च, और उसके साथ में डाल रही हूँ जीरा, ये गोटा जीरा जो आता है ना, साबुत जीरा वही वाला। तो इससे ना तड़के दाल में तड़के लगाने से तड़का वाला दाल का स्वाद ही बहुत अच्छा आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे दाल में मैं तड़का लगा देती हूँ। ये तो मेरा हो गया है और दाल का कलर भी बहुत अच्छा आया है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इसमें डाल दूंगी 2-4 हरी मिर्च, जो साबुत हरी मिर्च होता है ना उसको ऐसे तोड़ के मैं उसको डाल दूंगी। इससे क्या होता है कि इसमें जो स्वाद होता है ना हरी मिर्च का, जो एक एरोमा होता है, एक खुशबू होता है, वो दाल में बहुत अच्छे से आता है। और उसके साथ मैं डाल दूंगी थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे धनिया की पत्ती बहुत अच्छी लगती है, बोल के मैं हमेशा हर चीज़ में कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाला जाए। अब मैं चलती हूँ, दाल तो मेरा रेडी हो गया है यहाँ पे। जब तक सब्जी बॉयल हो रहा है, मेरा कैबेज बॉयल हो रहा है, मैंने यहाँ पे दूसरा कढ़ाई ले लिया है, उसमें ले ली हूँ मस्टर्ड ऑयल, और ऑयल गर्म होने पर मैं यहाँ पे फ़िश डाल रही हूँ। ये वाला फ़िश जो है इसको अच्छे से तोड़ तोड़ के, मतलब पलट पलट के और अंदर से तोड़ तोड़ के भूनना होता है, नहीं तो अंदर में कच्चापन रह जाता है। तो इसको मैं वही कर रही हूँ, मैं इसको अच्छे से तोड़ दे रही हूँ ताकि अंदर तक ये पक जाए, और इसको हाई फ्लेम में ही पकाना होता है ताकि करारेपन थी इसमें बरकरार रहे और ये बहुत अच्छे से पक जाए। तो चलिए, मेरा फ़िश यहाँ पे पक चुका है, मैं एक बॉल में इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी, और ट्रांसफ़र करने के बाद सेम पैन में मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, फिर से 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, और ऑयल गर्म होने पे मैं इसमें डालूंगी पंचफोरन। पंचफोरन के साथ इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, और उसके साथ ही 2 सूखी हुई लाल मिर्च, और ये इसके साथ ही मैं डाल दूंगी मेरा चॉप किया हुआ, ये रफली चॉप किया हुआ है ऑनियन, मैं उसी को ही मैं इसमें डाल दूंगी, और उसके साथ ऑनियन को अच्छे से पका लूंगी ऑयल में ताकि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए। मतलब डीप फ्राई करना है ऑनियन को, एकदम डीप फ्राई नहीं, हल्का सा जैसे इस तरह का कंसिस्टेंसी, मतलब कलर चेंज हो जाए, तब तक मैंने इसको पका लिया। और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ रफली चॉप किया हुआ टमाटर, और उसके साथ ही नमक। नमक याद रखिएगा, पहले से ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे नमक मैं थोड़ा सा कम ही ऐड कर रही हूँ ताकि बैलेंस बना रहे। और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट टमाटर गलने के बाद। अब मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चेपन हट ना जाए, मतलब इसका जो स्मेल है, वो जो कच्चेपन का स्मेल, वो हट ना जाए। तो चलिए, मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट पक चुका है, मैं इसमें डाल रही हूँ रेगुलर की मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, उसके साथ धनिया का पाउडर, और उसके साथ जीरा पाउडर, ये नॉर्मल जीरा पाउडर है। अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल डाल के भूनूंगी ताकि मसाले सारे एक रस हो जाए, मसाले का जितना कच्चापन है वो सब हट जाए, मसाले में कच्चेपन एकदम ही ना रहे। तो चलिए, मेरा मसाला भून चुका है, मैं पानी डाल डाल के मसाला को भून चुकी हूँ अच्छे से। अब मैं इसमें जो फिश मैंने भून के रखे थे वो मैं ऐड कर दूंगी, अच्छे से इसको मिला दूंगी मसालों के साथ ताकि ये फ़िश भी मसाले के संग पक जाए, एक रस हो जाए। तो मेरा ये तो पक चुका है, मतलब कैबेज भी मेरा यहाँ पे पक चुका है, इसका देखिए एकदम बॉयल्ड हो चुका है। अब मुझे कुछ करना नहीं है, जो फ़िश मैंने अभी अभी तैयार करके रखे थे, जो मसाले फ़िश के साथ, वो मैं इसके साथ मिला दूंगी। मिलाने के बाद ही इसका असली मज़ा आएगा, मतलब कैबेज अलग से बॉयल करना है, फ़िश आपको अलग से बनाना है, और दोनों को साथ में कॉम्बाइंड कर देना है। तो बस यही मैं कर रही हूँ, बस ये एक बार कंप्लीट हो जाए और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कितना बढ़िया ये बनता है, और इसका कलर भी बहुत बढ़िया आया था। चलिए, मैं इसको तो मिक्स कर चुकी हूँ, और इसके बाद
मैं क्या करूँगी, फ्लेम को लो कर दूँगी। लो करने के बाद इसको लीड लगा के 10 से 15 मिनट पकने के लिए छोड़ूंगी। तो चलिए, ये जब तक पक रहा है तब तक मैं फुलके का तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे आप इसको चावल के साथ पेयर कर सकते हो, आप पराठे के साथ पेयर कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे फुलके के साथ पेयर कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग रोटी ईटर है। गर्मा गर्म फुलके के साथ ये वाला सब्जी और दाल बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम लोग इसको ट्राई कर चुके हैं, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए, पहले मैं यहाँ पे गर्मा गर्म फुलके उतार लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं सर्व जब करूँगी मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना यम्मी और टेस्टी बना था और कितना अच्छा लग रहा था। तो ये था हम लोगों का आज का डिनर, रोटी है, सब्जी है और उसके साथ दाल सब्जी। और ये वाला जो सब्जी मैं बनाई हूँ ना, ये बहुत ही कलरफुल और बहुत ही टेस्टी था, सबको बहुत ही पसंद आया था। यू मस्ट ट्राई इट। और उसके साथ मैंने सलाद भी काट दिया है। और चलिए, तब मैं चलती हूँ अपना डिनर एंजॉय करने के लिए। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज टिप्स फॉर न्यू इंडियन मॉम विद वर्मा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ।